संतुलित मिश्रण ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हम देख रहे हैं साधना टीवी। भुज के इंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम भुजश्याम मलकोमलांगं सीता समारो हितवाहिभागं पाणो महासा चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अनंत अनंत ब्रह्मांड कोटि नायक आनंद कंद सच्चिदानंद, रोम रोम में रमण करने वाले, घट घट में वसने वाले, जगत नियंता जगता भार, सर्वेश्वर परमेश्वर दीन बंधु पतित पावन, भक्त वत्सल अकारण करुणा वरुणालय दीन स्नेही पतित उदारक, परम पिता परमात्मा की नैतिक कृपा के फलस्वरूप अपनी ये पावन धरा पंजाब की तपोभूमि जिला ये फिरोजपुर महाराज आबोर क्षेत्र सीतोर सुखचैन के नदी में ये पावन गौशाला और जिसके पवित्र प्रांगण में हम विराजमान हैं, आज श्री धोनी मानेसरी कथा का द्वितीय दिवस है। इस मंगलमय बेला में पधारे हुए सभी अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत चरण, कथा के पवित्र पंडाल में आज के सभी मुख्य अतिथि मुख्य मेहमान, सभी वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध आयु वृद्ध या फिर जाति वृद्ध या पद वृद्ध या फिर अनुभव वृद्ध सभी आदरणीय बुजुर्गों, युवान भाई और बहनों, छोटे छोटे बालक और बालिकाओं, भक्तिमती श्रद्धामय शक्ति स्वरूपा माताओं,
आप सभी के अंतस्थ हृदय में विराजमान और परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार करते हुए आइए आज की पावन कथा में हम लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व एक दो मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन सभी बड़े मंगल भाव से बोलेंगे। तुम करो गौ से प्यार अमृत बरसेगा, 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 बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बन से भाई बन से भाई से तुम करो गए भर से तुम करो सत संगत का पहन लो वचन कभी ना कहना, करुणे वचन कभी ना कहना, कभी ना बारंबार से बार से हाँ दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भव सागर से पार उतर लो, भव सागर से पार उतर लो। भाई बहनों, महापुरुष कहते हैं दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जबलक घट में प्राण। भाई बहनों, धर्म से यदि दया को निकाल लिया जाए तो धर्म में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए दया करो। दया धर्म सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। जा जा दया न माया, ताता विक्रम ने काया। जिसमें दया नहीं, जिसमें करुणा नहीं, जिसमें प्रेम नहीं, उस व्यक्ति से ये भावना मत रखना कि वो कभी सत्कर्म करेगा भी। इसलिए अपने हृदय में करुणा, अपने हृदय में दया, अपने हृदय में प्रेम हमेशा उसको निवास दो। भाई बहनों,
दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भव सागर से पार उतर लो, भव सागर से पार उतर लो, ये मिले न बारंबार अमृत बरसेगा, ये मिले न बारंबार करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। हरि नाम का अमृत प्याला, हरि नाम का अमृत प्याला, गौ सेवा का अमृत प्याला, गौ सेवा का अमृत प्याला, पीलो बन कर किस्मत वाला, 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 तुम करो आपन एक बार अमृत बरसेगा, तुम करो आपन एक बार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। बोलो गौ माता की जय, आज के आनंद एक बार पुनः पंडाल में सभी आदरणीय श्रोताओं का मेरी व्यासगादी हृदय से अभिवादन करती है और यहां पहुंचने पर आप सभी को साधुवाद धन्यवाद ज्ञापन करती है। साथ ही साथ में जो लोग अपने घर बैठे साधना चैनल के माध्यम से टेलीविजन में कथा सुन रहे हैं, आप सबको भी मेरी अंतरात्मा से शुभकामना शुभ आशीर्वाद। भाई बहनों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कल से गौ माता का रक्षण, गौ माता का पोषण और गौ माता का संवर्धन कैसे हो। जो गौ मां पापनाशिनी है, जो गौ मां मोक्षदायिनी है, जो गौ मां तरण तारिणी है, ऐसी गौ माता की पावन कथा हम इस सुखचैन की गौशाला में बैठकर और यूं कहीं तो पूरे पंजाब क्षेत्र में इस गौशाला का नाम है, इसके पावन प्रांगण में बैठकर हम ये चिंतन कर रहे हैं। गौ माता की सेवा कैसे हो, भगवान श्री राम, हमने कल भी अनुनय निवेदन किया था, जब भगवान श्री राम से पूछा गया कि प्रभु आपके आने का कारण, तो मेरे राम ने चार कारण बताए। गोस्वामी जी कहते हैं, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान कहते हैं, मैं आया हूं विप्रधेन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, मैं आया हूं
संतों की रक्षा करने के लिए मैं आया हूं। देव अर्चना धरातल पर चलती रहे, देवों का सम्मान होता रहे, इसलिए आया हूं। और भगवान ने चौथा कारण बताया, विप्रतिहीन सुर संतित गौ माता का। भगवान गौ माता की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। सच में अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो आज का ब्राह्मण सामर्थ्यवान है, आज का ब्राह्मण संपन्न है, आज का ब्राह्मण कहीं दुखी नजर नहीं आता। परमात्मा ने बड़ा सुख दिया है, बड़ी समृद्धि दी है। आज के महात्माओं को देखें, आज के संतों को देखें, तो मुझे नहीं लगता कि भगवान को उनके लिए आना पड़ेगा। सभी महापुरुष धर्म का प्रचार प्रसार करने में, जहां जिस महापुरुष का क्षेत्र है और महापुरुष बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, जहां भी जो महापुरुष रहते हैं, जहां भी जो साधु संत सन्यासी रहते हैं, वो संपन्न भी है और प्रचार प्रसार करने में भी बहुत संलग्न है, उनके लिए भी परमात्मा आते नजर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और देवताओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि आज देव आराधना इतनी हो रही है महाराज, गांव गांव में इतने भव्य मंदिर बनते जा रहे हैं, इतने इतने दिव्य मंदिर बनते जा रहे हैं, ना ही संतों के लिए, ना ही ब्राह्मणों के लिए और ना ही देवताओं के लिए। लेकिन यदि आज वर्तमान स्थिति में गौ माता की तरफ एक नजर उठाकर देखें तो मेरे भगवान की जो गौ मां है आज ये बहुत पीड़ित है, आज गौ माता बहुत दुखी है, आज गौ मां के आंखों से अश्रु बह रहे हैं, और सच पूछो तो रक्त के अश्रु से रो रही है गौ मां। हे गोविंद, हे राम, आज तेरी गौ मां बहुत पीड़ित है, आज तेरी गौ मां बहुत दुखी है, तो किसी के लिए मता अपनी गौ मां की स्थिति तो आकर देख। गोविंद, जिसको तूने मां कहकर पुकारा था, जिसको मां कहकर तू पूजा किया करता था, आज वो तेरी गौ कितनी व्याकुल है, आज वो तेरी गौ कितनी दुखी है। अपनी गौ मां के लिए तू एक बार आ और गौ मां की पीड़ा को समझ, ये कितनी पीड़ित है, ये कितनी दुखी है। आज गौ मां का कष्ट देखो तो सही कितना है, दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है, भूखी प्यासी होती है, किसानों के खेत में चली जाती है, किसान भी क्या करें। लेकिन मैं किसानों से एक अपील जरूर करूंगा, किसान तो महाराज इस भूमि का देवता है, कितनों का पालन पोषण करता है, लेकिन मैं जरूर एक अपील करूंगा, जिन किसानों ने बुलेट वाली तार लगाई है वो बहुत जीवों को हानि पहुंचा रही है। मैंने एक दिन अपनी आंखों से देखा, एक छोटी सी बछड़ी भूख और प्यास से व्याकुल थी, पीछे से लोग डंडे मारकर भगा रहे थे, और जैसे वो गौ छोटी सी बछड़ी खेत में निकलने का प्रयास कर रही थी, जो बिलेट वाला तार था उसकी तीक्ष्ण धार से कम चार अंगुल गहरा उसने गौ माता की गर्दन को काट दिया था। वो भूल गई थी चारा खाना, वो धरती पर गिर पड़ी थी, रक्त बह रहा था। हम तार लगाने को मना नहीं करते, लेकिन कम से कम बिलेट वाली तार मत लगाओ,
सुबह से शाम तक कितने जीव हताहत होते हैं, कितने जीवों को पीड़ा पहुंचती है। ये काम मत करो, बुलेट वाले तार मत लगाओ खेतों में, मेरी किसानों से ये अपील है। और केवल मैं पंजाब के लोगों को नहीं कह रहा हूं, मैं टेलीविजन के माध्यम से जहां जहां भी किसान लोग बसते हैं, टेलीविजन देखते हैं, साधना चैनल देखते हैं और वो कथा को सुन रहे हो, मेरी आप सबसे अपील है, गौ माता पर करुणा करो। और मैं इस पंजाब की धरा से कह सकता हूं, इसी पंजाब के सबसे पहले जिनको शेरे पंजाब कहा जाता था, उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह जी, लाहौर में रहते थे, अखंड भारत था। और वहां लाहौर में एक चौक में किसी सेठ ने एक पानी की प्याऊ बनाई, बिचारी दुखियारी गऊ आकर पानी पीती थी, आराम करती थी। एक छोटी सी मोरी, उसमें कुछ अन्न के दाने गिरते नजर आए और एक गऊ ने उन अन्न के दानों को खाने के लिए महाराज जैसे आगे मुंह बढ़ाया, उसके बड़े बड़े सींग थे और महाराज उस मोरी में फंस गए। गऊ माता ने अथक प्रयास किए, बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने सींग नहीं निकाल पाई। लोग इकट्ठे हो गए आसपास के, किसी ने कहा जल्दी मिस्त्री को बुलाओ, इस दीवार को तोड़ो। किसी ने कहा एक काम करते हैं, बढ़ई को बुलाओ और जल्दी से आरी लाओ, गऊ के दोनों सींग काट देते हैं। महाराजा रणजीत सिंह जी के गुप्तचर इस घटना को आंखों से देख रहे थे, जैसे तैसे उस गाय को निकाला गया। गाय तड़फ रही थी महाराज, बड़ी व्याकुल थी। महाराज के गुप्तचरों ने यह संदेश शाम को, जब महाराज ने कहा कहो राज्य में क्या हाल है, क्षेत्र में सब ठीक है, जनता सुख से तो है, जनता धर्म का आचरण तो कर रही है, मेरी गौ माता सुख से तो है, वो दुर्गा के उपासक थे, गौ मां के प्रतिदिन पूजा किया करते थे। भाई बहनों, जब गुप्तचरों ने कहा महाराज आज एक गौ मां जिसके सींग मोरी में फंस गए, लोग इकट्ठे हुए उस गऊ के सिंह निकालने के लिए, बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की महाराज, और जब सिंह नहीं निकले तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज बढ़ई को जल्दी बुलाओ, इसके आरी से सिंह काट लीजिए फिर निकल जाएगी। और जैसे महाराज रणजीत सिंह ने सुना ये बात, एक हिंदू ने कही कि गाय के सींगों को आरी से काट लिया जाए, इतने महाराज तिलमिला उठे, व्याकुल हो उठे, किसकी हिम्मत पड़ी मेरे राज्य में गौ मां के सींग काटने की। गुप्तचरों उसको बुलाकर लाओ, किसने कहा था ये। और भाई बहनों, उस व्यक्ति को बुलाया गया जिसने आरी से गऊ के सींग काटने की बात कही थी। महाराज ने पूछा आप कौन हैं? जी महाराज मैं एक हिंदू हूं। हिंदू होने के उपरांत सनातन धर्म को मानने वालों, वैदिक धर्म को मानने वालों, गऊ मां को मानने वालों, तुम गऊ मां की सींग आरी से काटने की बात कहते हो, तुम हिंदू नहीं हो सकते। नहीं महाराज मैं हिंदू हूं। महाराज ने कई बार कहा
जब उसने सही बात नहीं बताई, आ हा हा, उन्होंने कहा इसको जेल में डाल दो। और जब जेल में डालने का नाम लिया, वो व्यक्ति घबरा गया, वो व्यक्ति व्याकुल हो गया। फैरो ये नहीं बताएगा, इसकी मां जी को बुलाओ। और उसकी माता जी को बुलाया गया, आप कौन हैं? अन्नदाता, हम हिंदू हैं। नहीं देवी, आप हिंदू नहीं हो सकते। हिंदू गौ मां की आरी से काटने की बात नहीं कर सकता। जब बार बार कहा, महाराज ने साम दाम दंड वेद हर नीति का उपयोग किया। अंत में घबरा कर उसने कहा, महाराज मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। पतिव्रता स्त्री? हां महाराज, मैं अपने धर्म को साक्षी मानकर कहती हूं, मैंने किसी पर पुरुष को देखा भी नहीं, लेकिन महाराज मेरे घर के सामने एक वो व्यक्ति रहता है जो जो पशुओं की खाल उतारता है। और महाराज जब ये मेरा बालक मेरे गर्भ में आया था, महाराज मैं स्नान इत्यादि कराकर कपड़े सुखा रही थी, महाराज उसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी थी। महाराज समझ गए, ऐसे में ऐसे व्यक्ति की दृष्टि पड़ भी जाए तो संतान पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए तेरे बालक ने कहा, महाराज ने दोनों को ही छोड़ दिया। मेरे भाई बहनों, मेरे कहने का तो भाव है, इस पंजाब में गौ के सींग काटने वालों को सजा दे दी जाती थी। ये वो पंजाब क्षेत्र है। सच्चे बादशाह बाबा गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, गऊ ते गरीब, इनकी सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। जो गऊ की और गरीब की सेवा करता है उसका फल उसको अवश्य मिलता है। इसलिए भाई बहनों, गऊ ते गरीब की सेवा करते रहना, मेरी गऊ मां की सेवा करते रहना। और ऐसी गऊ मां, एक व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए भाई बहनों, उसने कभी कोई शुभ कर्म किया ही नहीं, उसने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं। एक दिन वो जा रहा था, उसने क्या देखा, एक गौ माता मार्ग में बैठी और कराह रही थी। कुछ मच्छर कुछ मक्खी उसको बड़े दुखी कर रहे थे। अब गाय को देखकर उसे करुणा आ गई, गाय को देखकर उसमें दया आ गई। गऊ के पास जाकर क्या देखा, गऊ की पूंछ के पास एक घाव था। उस घाव में देखा उसने बड़े बड़े कीड़े पड़े हुए थे। अब महाराज उसने एक एक कीड़ा ऐसे उंगली से निकालना प्रारंभ किया और करुणा आई। घर में गया, मरहम लेकर आया। फिर एक दिन, फिर दो दिन, एक दिन ऐसा हुआ, गाय का वो घाव सूख गया, गाय स्वस्थ हो गई। और भाई बहनों, उस व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता गया। एक दिन बुढ़ापा आया उसको, चूंकि जिंदगी भर कोई शुभ कर्म किया नहीं था, कोई सत्कर्म किया नहीं था, कोई तीर्थ यात्रा की नहीं थी, कोई मंगलमय कर्म किया नहीं था, और महाराज कोई सेवा करने को तैयार नहीं हुआ। अंत में इस जीव को धर्मराज जी की धर्मराज जी
गौ मां की सेवा की थी उसके घाव से कीड़े निकाल लेते, और एक ही पुण्य धर्मराज जी की सभा में सम्मानित करा देता है। मात्र एक पुण्य गौ मां की सेवा। मैं तो कई बार पहले भी कहता आया हूं, एक व्यक्ति महात्मा जी के पास आया, महात्मा जी मैंने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किए, मैंने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए, बहुत पाप किए महात्मा जी, लेकिन मैं अब पाप से मुक्त होना चाहता हूं, मैं अब सात्विक जीवन जीना चाहता हूं, महाराज मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। महात्मा ने कहा जब जागो तभी सवेरा है। गुरु महाराज जी तो कहते हैं दिन का भूला रात में चेता काहे पड़ा सोता। अगर दिन रूपी युवा अवस्था में सत्कर्म करने भूल गए हो तो अब बुढ़ापा रूपी सांझ होने को है, अब बुढ़ापा रूपी रात्रि आ रही है, अब सत्कर्म कर लो। चूंकि अंत मता सोगता, अंत में जैसी मति होती है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। भाई बहनों, अंत में आप किसका स्मरण करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं, आप किसकी पूजा करते हैं, आप किसको मानते हैं, आप किसके प्रति समर्पित हैं, वह अंत में जो आपके भाव होंगे वही आपका निर्णय करेंगे। इसलिए अंत में भैया गौ मां की सेवा और परमात्मा का नाम स्मरण करना। इसी पंजाब में एक जगह है गुरदासपुर जिला, और वहां बटाला क्षेत्र है, और बटाला क्षेत्र में बटाला शहर में भाई लक्ष्मण सिंह जी उच्च कोटि के वैद्य थे, बड़े उच्च कोटि के वैद्य थे, लेकिन उनकी पत्नी परवंदर कौर इतनी धर्मात्मा महिला, इतनी गौ भक्त, प्रातः काल उठती स्नान ध्यान करती, पहले गौ मां का पूजन करती, गौ मां की परिक्रमा करती, गौग्रास गौ मां को खिलाती, और उसके चेहरे पर इतना तेज था महाराज, इतना तेज उसके चेहरे पर था। वाह, एक दिन अपने पति से कहने लगी सुनो मैंने स्वप्न देखा है गोपाष्टमी के दिन मैं संसार छोड़कर चली जाऊंगी। लक्ष्मण जी ने कहा देवी कभी सपने भी सच होते हैं क्या? नहीं नहीं, मेरी गौ मां मुझसे झूठ कदापि नहीं बोलती। महाराज वो तिथि आई, वो दिन आया, वो समय आया, बिलोना कर रही थी महाराज, बिलोना किया महाराज, मक्खन निकाला, गोविंद को भोग लगाया, गौ मां के दर्शन किए, और महाराज गौ मां का दर्शन करते करते भगवान का स्मरण करते करते दक्षिण को पैर करके लेट गई, और एक क्षण लगा देह त्याग कर दी। लक्ष्मण जी उच्च कोटि के वैद्य थे, इतना उपचार किया उनका महाराज, इतना उपचार किया, लेकिन रोने लगे, और कुछ ही क्षणों के बाद उन्होंने क्या देखा, ऐसे परविंदर जी सर ला रही थी, अरे हाथ हिलाने लगी, पैर हिलाने लगी, कुछ देर में आंख खोली और बैठ गई। परविंदर मैंने कहा था ना कि सपने कभी सच नहीं होते। उन्होंने कहा वैद्य जी जब मैं इस घर से निकलने लगी तो चारों तरफ से श्वान भौंक रहे थे, चारों तरफ से कुत्ते भौंक रहे थे, मेरी गौ मां ने कहा ठहर तू रुक जा मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं तो केवल गौ मां के दर्शन करने के लिए आई हूं। इतना कहा पति को आश्वासन दिया महाराज, और इस लोक को छोड़कर परलोक गमन कर गई। गौ मां की सेवा करने वालों के सपने भी ऐसे होते हैं जैसे ब्रह्म वाक्य होता है, और गौ मां के सेवा करने वालों को
परम गति प्राप्त होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैंने बहुत पाप किए हैं, महात्मा जी मुझे आप, उन्होंने कहा आप गुरु मंत्र ले लीजिए, माने आप नाम दान ले लीजिए, नाम का स्मरण कीजिए, हम बाधा करते सब पाप से मुक्त हो जाओगे। महात्मा जी, उस व्यक्ति ने कहा, सभी महात्मा ऐसा कहते हैं कि परमात्मा का नाम पापों को नष्ट कर देता है, जैसे कूड़ा कितना ही पुराना हो आग की चिंगारी ये नहीं पूछती कि ये कूड़ा नया है कि पुराना है, सबको जलाकर भस्म कर देती है, समाप्त कर देती है। और हां महाराज, ऐसे ही परमात्मा का नाम है, कितने पुराने से पुराना पाप हो, नाम मेरा तेरे पाप भी काट दे, नाम मेरा तेरे पाप भी काट दे, बुरे कर्मों से मन को अगर बात दे, नाम मेरा तेरे पाप भी काट दे, बुरे कर्मों से मन को अगर डाट दे, जो न माने श्री सतगुरु के वचन, वही चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू यू बिरथा बनाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू यू बिरथा बनाए तो मैं क्या करूं। परमात्मा का नाम जन्म जन्मांतरों के पापों को काट देता है। भाई बहनों, दक्षिणी भारत में एक कथा आती है, एक जीवंती नाम की वैश्या, जिसने कभी प्रभु का नाम नहीं लिया, जिसने कभी प्रभु का चिंतन नहीं किया, एक दिन बाजार में गई और क्या देखा, एक व्यक्ति पिंजरे में एक तोता लिया हुआ आवाज लगा रहा था, ये तोता बिकाऊ है। उस वेश्या ने पूछा, ये करता क्या है? बोली, महाराज प्रातः काल उठेगा ये राम राम की रट लगाता है, कोई मेहमान आएगा, अतिथि आएगा, आओ बैठो, शीतल जल पियो, राम राम कहो, आराम मिलेगा। और जो प्रातःकाल सोता दिखाई देता है इसको, तो ये प्रातःकाल बोलता है, सो मत जागो, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। वेश्या को लगा ये अच्छा है, और महाराज उसको वो खरीद कर ले गई, आंगन में जाकर पिंजरा टांग दिया, और जैसे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हुआ, आवाज आई, सो मत जागो, उठो, स्नान करो, सुमरण करो, चिंतन करो, भजन करो। इस वेश्या की आंख खुली, राम राम कहो, आराम मिलेगा। राम राम कहने लगी, पहले कभी राम राम मुख से नहीं निकला, लेकिन अच्छा संयोग मिला, बाबा जिन जैसी संगत करी, तिन तैसो फललीन, कदली सीप भुजंग एक बूंद गुण तीन। आकाश से एक पानी की बूंद आती है, अगर वो केले की कोप में जाती है तो कपूर जैसी दिखाई दिया करती है, अगर वही बूंद बिस्तर की मड़ी पर गिर जाए तो जहर बन जाती है, लेकिन वही अगर सीप में चले जाए तो मोती बन जाती है। उसको यदि सीप मिल जाए तो जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फरलीन। अब तो महाराज ये उस पिंजरे के पास बैठकर बार बार उस तोते को प्रेरणा देती है, वो एक बार राम राम कहती है, ये चार बार राम राम कहता है, अब तो वो हर समय प्रभु के नाम का स्मरण करने लगी। बहुत दिन बीते हैं ये क्रम चलते चलते, एक दिन वेश्या महाराज अस्वस्थ थी, और जैसे वो राम राम कह रही थी, एक दिन राम राम कहते उसका शरीर पूरा हो गया। उस तोते ने देखा, उस सुख ने देखा जो पिंजरे में बंद था, मेरी मालकिन मुझे छोड़कर चली गई,
बूढ़ा हो चुका था और महाराज उसने भी अपनी देह का त्याग करा। ये दोनों परमात्मा के दरबार में उपस्थित हुए। भगवान के पार्षदों ने कहा, प्रभु इसने कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, इसने कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, लेकिन अंत में आपका नाम स्मरण किया, आपके नाम का जप किया, आपके नाम का स्मरण किया। भगवान ने कहा, पार्षदों आप तो जानते ही हो ना, अंत मथा सुगता, अंत में इन्होंने मेरे नाम का आश्रय लिया तो अंत में मेरे नाम का आश्रय लेने का फल यही देता हूं। जो गति मैंने मां यशोदा को दी, जो गति मैंने कौशल्या मां को दी, जो गति मैंने रेणुका को दी, जो गति मैंने अदिति को, ये प्रभु का नाम स्मरण जरूर करते रहना। परमात्मा, परमात्मा का नाम, परमात्मा की लीला और परमात्मा का धाम, ये चारों चीजें एक समान है, इन चारों में बराबर शक्ति है। जितनी शक्ति बल परमात्मा के नाम में है उतनी शक्ति मेरे परमात्मा में, और जितना आनंद परमात्मा के धाम में है उतना ही आनंद परमात्मा की लीलाओं में प्राप्त हो जाता है। इस व्यक्ति ने कहा, महाराज आप कह रहे हो सो तो मान लेता हूं, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्रमाण दीजिए कि मैं विश्वास करूं कि मेरे पास मुक्त चुके हैं। महात्मा जी के हाथ में एक लकड़ी का सोटा था, महात्मा ने कहा ये लकड़ी का सोटा लेके चला जाओ और प्रभु का नाम जपना, जिस दिन तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे इस लकड़ी के सोटे में कोपले फूट आएंगे। अब ये बिचारा चला गया अपने घर और इतना जाप करता, हर रोज लकड़ी का सोटा देखता, इसमें कोपले फूट आई होंगी, 12 साल हो गए जब करते करते उसे लकड़ी के सोटे में कोपले नहीं फूटी। एक दिन नदी के किनारे बैठा हुआ था, माला फेर रहा था, क्या देखा, एक गौ माता ने बछड़ू को जन्म दिया और बछड़ू को चाटने लगी और जैसे प्यास लगी नदी में पानी पीने के लिए गई तो एक छोटा सा मगरमच्छ महाराज उस गाय को पानी नहीं पीने दे रहा था। गाय रंभा रही थी, प्यास से व्याकुल थी। इस व्यक्ति ने सोचा, दाता इतने पाप हो गए, इस लकड़ी में आज तक कोपले नहीं फूटी, मेरे दाता एक पाप और सही। वही लकड़ी का सोटा उठाया महाराज और जैसे नदी के किनारे गया वो छोटा सा मगरमच्छ, जैसे बाहर निकला महाराज इतने सोटे मगरमच्छ के ऊपर बजाए, इतने सोटे उसको मारे कि मार मार के उसका प्राण निकाल दिए, पकड़कर पानी से बाहर फेंक दिया। गौ माता देख रही थी और महाराज कुछ देर के बाद क्या देखा, गौ माता आकर उस नदी में पानी पी और पानी पीकर अपने बच्चे को चाटने लगी महाराज, खिलंदरी करने लगी। और तभी उस व्यक्ति ने आंख खोलकर देखा गौ की तरफ, बड़ा प्रफुल्लित हुआ, मन आनंद में झूम उठा और जैसे ही सोटी की तरफ देखा उसमें कोपले फुटाई थी महाराज। 12 साल का भजन वो काम ना कर सका जो गौ माता की एक क्षण की सेवा काम कर गई। जन्म जन्मांतरों के अगर पाप हो भी गए हो हमसे, पहली बात तो आप हम लोग पापी कहां हैं, कहां पाप होते हैं महाराज, लेकिन महापापी जैसे लोगों को भी इस गौ मां की सेवा ने उन्हें मुक्त कर दिया और गौ मां के भक्त को कभी कोई कलंकित नहीं कर सकता। मैं व्यास गांधी से कह रहा हूं महाराज, महाराज गौतम उनकी पत्नी अहिल्या इनकी यशो कीर्ति बढ़ती जा रही थी महाराज, इतना मान सम्मान बढ़ रहा था। अब जब किसी का कोई मान सम्मान बढ़े ना जी तो किसी को तो स्पर्धा तो होती है, कोई तो दुखी होता है आपकी उन्नति से। उस समय
कई लोगों ने सोचा इनकी कीर्ति बढ़ रही है, कुछ करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने विचार बनाया, क्या एक मृत गाय जो बूढ़ी गाय ने प्राण त्याग दिए थे, कुछ लोगों ने रात्रि के समय में उस गाय को उठाया और जो महाराज गौतम ऋषि का आश्रम था द्वार के पास दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया। प्रातः काल उठी अहिल्या मां और जैसे द्वार खुला अपने पति से कहती है, आज हम कितने भाग्यशाली हैं, देखो हमारे हमारे घर बूढ़ी गऊ आई है, आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, आज हमारी किस्मत चमक गई, आज हमारा भाग्य जाग गया, इतनी बूढ़ी मां स्वयं सेवा कराने के लिए आई है। और जैसे गाय को स्पर्श किया मृत थी गाय धरती पर गिर पड़ी और जैसे वो गौ धरती पर गिरी महाराज उस समय सभी लोगों ने हो हल हल्ला बोल दिया, अरे महाराज अहिल्या के द्वारा उसके पति गौतम के द्वारा गौ की मृत्यु हुई है, इन्होंने गौ को मारा है, ये गौ के अप्यारे हैं, इन्हें समाज से निष्कासित किया जाए, इन्हें समाज से निकाल दिया जाए, इनका भोजन इनका जलपान बंद कर दिया जाए। और महाराज भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और गौतम ने हाथ जोड़कर कहा था बड़ी सभा में, मैंने गऊ का वध नहीं किया, मैंने गऊ को नहीं मारा, मैं निर्दोष हूं, मेरी धर्म पत्नी अहिल्या निर्दोष है, हम गऊ मां की सेवा करते हैं, गऊ मां का वध नहीं करते। उन्होंने कहा ये गऊ तुमने मारी है, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास, कोई तुम्हारी गवाही देने को तैयार है? इतनी बड़ी सभा और सभा में इतने बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान और महाराज सब मूक भाव से देख रहे थे, अहिल्या और गौतम के आंखों से झरझर अश्रु बह रहे थे। हे परमात्मा, हे विधाता, हे भोलेनाथ, हमने गौ का वध नहीं किया। और उसी भरी सभा में आप जानते हैं, आप धीमी मानस पढ़ना, उसी भरी सभा में त्रिशूल लेकर भगवान शिव जी प्रकट हो गए, मैं गवाही देता हूं ये निर्दोष है, मैं गवाही देता हूं इसमें गऊ का वध नहीं किया। गऊ की सेवा जो करते हैं उनकी गवाही भगवान शिव जी देने को तैयार हैं। हां, जो गऊ के भक्त हैं, गऊ मां की सेवा करते हैं, गऊ मां अपने भक्तों पर कोई कलंक नहीं लगने देती। इसलिए मैं कह सकता हूं व्यास गादी के माध्यम से, भैया गौ मां की सेवा किया करो। मैं कई घरों में गया, हमारे पास कुछ गाय थी, वो सूरदास गाय थी, छोटी छोटी बछड़ियां थी और हम उनको देखकर बड़े चिंतित रहते थे। मैंने लाखपुर पर लाखपुर अमन भी आदमपुर के पास में शीशबाल के बीच में वहां कथा चल रही थी, मैंने लोगों से आह्वान किया हमारे पास कुछ सूरदास बछड़ी है, 101 बछड़ी है, अगर कोई लेना चाहे तो। भाई बहनों, मैंने 100 को कहा था, वहां के 200 लोग तैयार हो गए, महात्मा जी ऐसी गाय को जो बेचारी आश्रयहीन है उस गाय को हम कुछ, सब लोगों को वो बछड़ी नहीं पहुंच सकी, अभी तक नहीं पहुंच सकी। और कई लोग मुझसे नाराज हुई है, महात्मा जी वो आपने सारी बछड़ियां लोगों को बांट दी लेकिन जिन लोगों को मिली वो बछड़ी, महाराज उनके घर जाके देखो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, जो ऐसी गाय मां की सेवा करते हैं जिसके जिसके नेत्र नहीं है, घर में जाओ तो उन्होंने नाम रखे हुए हैं, किसी ने श्यामा नाम रखा है, किसी ने गौरी नाम रखा है, सबने अपने अपनी गौ बछड़ियों के उनके नाम रखे हुए हैं, जब नाम लेके पुकारते हैं तो वो ऐसे बोलकर आवाज लगाती है कि मुझे आवाज लगाइए। और एक बात आपसे बताऊं जी, आप गौ को खुश करना चाहते हैं तो जब गौ के पास जाओ तो गौ माता के गले के नीचे जो खाल लटकी होती है उसको गौ कंबल कहते हैं, जब आप देखें गौ मां के पास जाए और जो गौ कंबल है आप उसको फिर से धीरे 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 जरा गौ मां की सेवा करें और उसी क्षण उसी पल देखना गौ माता अपना सर उठाएगी और तुम्हारे सर पर रख देगी, तुम्हें आंसू उसी समय विलंब नहीं करेगी एक क्षण का भी।
गौ माता अपना सर उठाकर आपके कंधे पर रख देगी, आपके सर पर रख देगी, बेटा तूने मेरी सेवा की, मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूं। लेकिन गौ मां से नफरत मत करना, गौ मां से घृणा मत करना। गौशाला का प्रधान कोई हो, आज मैं प्रधान जी को कह रहा था, मैं क्या प्रधान जी, और प्रधान जी हमारे बिल्कुल नवयुवक हैं, छोटी सी उम्र है, लेकिन इनकी जो टीम है ये पंजाब वालों की, और मैं देख रहा हूं यहां पर तकरीबन हर एक गांव की उपस्थिति है। अब कई लोग तो सोचते ही हैं वहां जाकर तो नीचे फर्श पर बैठना पड़ेगा, आराम से यहां सोफे पर बैठ कथा सुने, तो कई लोग तो इसलिए भी नहीं आते हैं कि महाराज आराम से बैठे बैठे भूख लगी तो भोजन भी करते रहेंगे, कथा भी सुनते रहेंगे, अब महात्मा जी क्या बोल रहे हैं। कई लोग तो नाश्ता भी बैठे बैठे कर लेते हैं बीच में, हां इसलिए नहीं आ पाते कथा में, घर बैठे कथा सुन रहे हैं। लेकिन भाई बहनों, अपना पंजाब क्षेत्र, चाहे संत सेवा हो, चाहे गुरु सेवा हो, चाहे ब्राह्मण सेवा हो, चाहे मेरी गौ मां की सेवा हो, पंजाब में आने के बाद क्या बात है, पंजाब तो पंजाब ही है साहब, इतना भाव गौ मां के प्रति यहां के लोगों में है, इतनी श्रद्धा इतनी आस्था गौ मां के प्रति लोगों में है, बड़ी भारी आस्था देखी जाती है। तो मैं प्रधान जी को कहने लगा, प्रधान जी मैंने तो अपना कर्तव्य आते ही निभा दिया, जो भी दो चार महीने में लोग भोजन के पैसे देते हैं, जागरण के पैसे देते हैं, कथा की दक्षिणा मिलती है, मेरा तो संकल्प है मेरी गौ मां को अर्पण कर देता हूं, आगे लेके नहीं जाता कहीं, और मैं संतुष्ट हूं अपने जीवन से, मेरी कोई इच्छा नहीं है किसी से भी आप मुझे कुछ दें, ना ही मैंने कभी अपने आश्रम के लिए किसी से कोई चंदा मांगा, ना ही मैंने किसी से कभी कोई कणक मांगी। आप सब लोग गौ भक्त मिलकर आश्रम भी बना रहे हैं, आप अन्य क्षेत्र भी चला रहे हैं, कोई कमी नहीं है महाराज किसी प्रकार की, तो फिर मैं आपसे क्यों इच्छा रखूं किसी भी प्रकार की, और फिर इच्छा आपसे क्यों रखूं। मेरी गौ मां के चरणों में मैं प्रार्थना करता रहता हूं, और गौ माता ने कितना मान दिया है, कितना सम्मान दिया है। सच में अभी परसों हम लोग आए एमपी में, कथा थी, पूरे एमपी के लोग, जितना वहां का विश्वनोई समाज है, आसपास का जो वहां का जाट समाज है, जो वहां का ब्राह्मण समाज है, जो वहां का यादव समाज है, जो वहां का वैरागी समाज, जो वहां के अन्य अन्य राठौर समाज, मैंने देखा सारे समाज के लोग इतने भाव से कथा में आते महाराज, इतनी श्रद्धा से कथा सुनते, क्या बात है। कथा के प्रति मैंने वहां लोगों में रुचि देखी, कथा के प्रति लोगों में आस्था देखी, मैंने वहां लोगों में कथा के प्रति लोगों के भाव और भावना इतने निर्मल देखी, मन गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया महाराज। अपने पंजाब में आए, और यहां तो हर महीने कथा चलती रहती है, अपने पंजाब में तो निरंतर कथा होती रहती है, अच्छा लगा। तुम्हें क्या प्रधान जी, अब आप बताओ क्या सेवा करें। तो संजय भैया, साथ बड़े भाई का नाम अजय भाई है, पूज्य माताजी भी, मन के माताजी बताओ, कहते महात्मा जी आप जो कह दोगे हम तो वही गौशाला में दे देंगे। मैं कह नहीं माता, आपने पिछले वर्ष मेरे कहने से दे दिया था, बोले नहीं अब आप जो कह दोगे तो हम वही दे देंगे। मैंने कहा फिर भी तो, बोले नहीं नहीं। मैंने उनसे कहा कि आप 3,51,000 रुपए, उन्होंने ताली बजा के स्वागत किया, महाराज यही दे देंगे।
तो आज मैंने उनसे प्रार्थना की 3,51,000 रुपए आज उनकी तरफ से गौशाला की सेवा के लिए उन्होंने मुझे दिए। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कितने भाव से, चूंकि वो जानते नहीं है मैं अपने लिए कभी नहीं मांगता और मैं जीवन में कभी दान का पैसा, गौ माता के दान का पैसा मैं कभी स्पर्श नहीं करता, आया तो व्यास गद्दी से उसको ले जाओ, और ना ही मैं किसी को कभी चंदा मांगता हूं गौशाला के लिए। मैं तो केवल गौशाला व्यास गद्दी पर बैठकर केवल बोलता हूं गौ मां की सेवा करो, बाकी मैं घर घर चंदा नहीं करता। हाथ थोड़ी मांग लेता हूं, मैंने भूसा मांग लेता हूं, गौ मां के लिए कणक मांग लेता हूं व्यास गद्दी पर बैठकर, गौशाला पहुंचा देना। मैं व्यक्तिगत कभी किसी के घर कभी मांगने नहीं गया कि गौ मां के लिए चंदा दो, मैं तो केवल व्यास गद्दी पर बैठकर। और महाराज सप्तऋषियों में देखें, सप्तऋषियों ने एक एक महापुरुष ने कितने भाव से गौ मां की सेवा की, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे ऋषि मुनियों ने गौ मां की सेवा की, हम उनकी संतान हैं, तो क्या हम गौ मां की सेवा नहीं कर सकते? क्या हमें गौ मां की सेवा का अधिकार नहीं है? हम भी गौ मां की सेवा कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में गौशाला, माने गौशाला ना जा सको तो घर में गौ पालो। और एक बात कहूं जी आपको, बुरा मत मनाना, क्या आपके बच्चों का जन्मदिन होता है ना जी, आप केक काटते हो, हमारी परंपरा ये नहीं थी जी, हम तो पहले बूंदी के लड्डू बनाते थे, एक इतना बड़ा लड्डू बनाते थे, वो बूंदी के अलग 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 बूंदी होती थी, उन सबको जोड़कर एक लड्डू बनाते थे, बड़ा सा लड्डू बनाते थे, और बच्चे के जन्मदिन पर वो सबको बांटते थे। हम तो उन टुकड़ों को जोड़ते थे, लेकिन आपने कहीं से सीख लिया चाकू से काट कर बांटना? ये काटने की परंपरा हमारी नहीं थी, हमारी तो जोड़ने की परंपरा थी, हम तो अनेकों को एक करने की परंपरा कहां थी? हमारे बच्चे का जन्मदिन होता था जी, हम अपने बच्चे के जन्मदिन पर साधु संत ब्राह्मणों को बुलाकर, कोई नहीं मिलता तो अपने आप ज्योति जगाकर भगवान की स्तुति करते थे। हम तो आजकल बच्चों के जीवन में जन्मदिन पर ज्योति बुझाने लगे, हम तो फूंक मारकर दीपों को बुझाने लगे, ये हमारी परंपरा नहीं थी जी ना, हमने गलत परंपरा पकड़ ली जी ना, बिल्कुल नहीं। आपके बच्चे का जन्मदिन हो तो अपने घर में यज्ञ करें, मैं मेरी शुभकामना आपके साथ है, आप अपने घर में कथा कराएं सत्यनारायण भगवान की, मैं बिल्कुल, आप अपने घर में अखंड पाठ कराएं गुरुवाणी का बिल्कुल। और इतना भी ना हो सके, आपके बच्चे का जन्मदिन हो, अपने बच्चों को लेकर गौशाला में आ जाना, गौ मां के लिए कुछ चारा डाल जाना, गौ माता आशीष देगी, आपके बच्चे की युग युग तक महाराज कीर्ति रहेगी दुनिया में। कई कई लोग होते हैं, अभी कोई आदमी आगे में आए, चूंकि देखो इतने सारे देश इस कथा को सुन रहे हैं, कितने लोग भाव के साथ टेलीविजन के सामने बैठे हुए हैं, तो अब मेरा विनम्र निवेदन है, कोई मातृशक्ति या कोई अन्य पुरुष अब कथा इतने चले वो आगे ना आए, अपनी परंपरा का परिचय दें। अब व्यास गद्दी को नमस्कार करनी है, वो कथा के उपरांत आकर प्रणाम करेंगे, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। बोलो गौ माता की, आपके बच्चे का जन्मदिन हो आप गौशाला नहीं आ सकते हो, तो उस दिन ये निर्णय लो, आज 501 रुपए, आज 101 रुपए, आज 51 रुपए मैंने गौ माता के नाम से निकाल के रख दिए, जिस दिन गौशाला में जाएंगे गुड़ या कोई चारा गौ मां को खिलाकर आएंगे। आपका स्वयं का, कई लोग हैं ना जी आजकल शादी की वर्षगांठ भी मनाने लगे हैं, हाँ कई लोग, और शादी की वर्षगांठ मनाने के लिए पता नहीं कहां कहां जाते हैं,